ये तीन स्मार्टफोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में से 20,000 में देखने को मिल जाएंगे। बेस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मल यूजेज के लिए काफी बेस्ट है। सबसे पहला फोन आता है Redmi A1 Plus। पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुआ, इसकी प्राइस 20,000 रखी गया है और आपको 18,519 के राउंड ये डेफिनेटली मिल जाएगा स्मार्टफोन। डिजाइन काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया, खूबसूरत डिजाइन है। बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया, 6.5 इंच का आपको IPS डिस्प्ले 720p रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट ठीक ठाक डिस्प्ले, कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि डिस्प्ले आपको अच्छा ना दिया गया हो, डिस्प्ले भी आपको काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया। कैमराज भी इसके नॉर्मल से आपको देखने को मिल जाते हैं। 5,000 mAh की बैटरी, साथ में 10W की चार्जिंग आती है। 2GB रैम, 32GB बैटरी स्टोरेज है। आपको ये डिवाइस नॉर्मल यूजेज के लिए मिल जाएगी। अगर आपको Redmi A1 Plus नहीं लेना तो यहाँ पर आप Nokia का फोन ले सकते हो। इसमें आपको Redmi की निस्बत बैटरी थोड़ी सी कम दी गई, जो कि 3000 mAh की, उसमें 5000 mAh की बैटरी है। लेकिन अगर आप इसका डिजाइन पसंद आता है ना, Nokia C21 का, डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो। बैक पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया, बैक आपको प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। बैक पर आपको 8 MP कैमरा, फ्रंट 5 MP के, मतलब एवरेज से कैमरा देखने को मिलते हैं। 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले आपको दिया गया 720p रेजोल्यूशन के साथ में। 28nm वाला प्रोसेसर दिया गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बैटरी इसकी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। जहाँ पर Redmi A1 Plus 1.5 दिन चलेगा, तो ये 1 दिन चलेगा, इतनी से आपको बैटरी का फर्क देखने को मिलेगा। इसमें भी 2GB रैम आती है, 32GB बिल्ट इन स्टोरेज आपको दी गई, 10W की चार्जिंग इसमें भी आती है। प्राइस इसकी 19,800 रुपये, आपको 18,500 के राउंड ये डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास बचता है 20,000 में अभी जो अवेलेबल है, वो Itel की तरफ से है। उस पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। इसका नाम है Itel A49। इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का एक थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले दिया गया 720p रेजोल्यूशन के साथ में। इस मोबाइल फोन में आपको बैक भी 5 MP कैमरा, फ्रंट भी 5 MP का दिया गया। बैटरी इसकी भी थोड़ी सी कम है, 4000 mAh की बैटरी है। अगर आप कुछ ज़्यादा बैटरी के साथ स्मार्टफोन चाहिए ना, Redmi A1 Plus सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो आप ले सकते हो। उसमें सब कुछ आपको बेटर देखने को मिलता है। लेकिन अगर Redmi नहीं लेना तो ये दो ऑप्शन जो आपके पास बचते हैं, ये भी आप ले सकते हो। Itel A49 के प्राइस पाकिस्तान में 19,000 है और आपको 17,500 और 18,000 के राउंड Itel A49 डेफिनेटली मिल जाएगा मार्केट से। इसमें भी 2GB रैम आती है, 32GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अवेलेबल है इसमें। अभी तक पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, उस हालात के मुताबिक 20,000 में आपको यही स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। अगर आप यूज स्मार्टफोन लेना चाहते हो कि आपको बताया जाए कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है यूज़ आप लेने के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं एक नई वीडियो अलहदा से बना दूंगा यूज स्मार्टफोन की भी, कि पाकिस्तान में यूज़ कौन सा उनसे आपको 20,000 करोड़ देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, चैनल पहले सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।